तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से छोटी लड़की का इस्तेमाल करके गॉब्लिन्स यानी भूतों ने मोहित को अपने जाल में फंसा लिया और मोहित को खाने के लिए चारों तरफ से उसे घेर लिया। अब आगे मोहित ने गॉब्लिन से बहुत विनती की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन गॉब्लिन बोला आज तुम्हारी मौत है। मोहित को जब ये लगा कि अब वो बचने वाला नहीं है तो वो भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया और बोला मरूंगा तो जरूर मगर हार नहीं मानूंगा, तुम लोगों से लड़ूंगा। और मोहित ने उन लोगों से आखिरी दम तक फाइट की। मगर मोहित कमजोर पड़ गया और भूतों ने उसे मारकर खा लिया। इधर मोहित की बीवी मोहिनी काफी देर से मोहित के फोन का इंतजार कर रही थी। फोन नहीं आने के बाद मोहिनी ने गुल्ली बुल्ली को फोन लगाया और उनसे पूछ रही थी कि मोहित बोला था कि तुम लोगों के पास पहुंचने के बाद वो मुझे फोन करेगा, लेकिन अभी तक उसका फोन नहीं आया। क्या वो अभी तक तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा है? जिस पर गुल्ली बुल्ली बोलते हैं, नहीं अभी तक तो मोहित हमारे पास नहीं आया है। ये बात सुनकर मोहिनी काफी डर जाती है और वो सोचने लगती है कि मोहित कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं ना पड़ गया। और वो गुल्ली बुल्ली को बोलती है लगता है मोहित किसी मुसीबत में है। वरना अभी तक तो वह तुम लोगों के पास पहुंच जाता। उसे यहाँ से निकले हुए काफी देर हो चुकी है और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो काफी डर लग रहा है, मैं उसे खोजने के लिए जा रही हूँ, हो सके तो तुम लोग भी आ जाना। मोहिनी ये बातें बोलकर फोन रख देती है। मोहिनी भी उसी जंगल के रास्ते से मोहित को खोजने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली के घर जाने का एक वही रास्ता था। और कुछ दूर जंगल में अंदर तक जाने के बाद उसे मोहित की बाइक दिखाई देती है। बाइक देखकर मोहिनी वहीं पर रुक जाती है। और इधर उधर देखने लगती है, तभी फिर से वो छोटी बच्ची उसके पास आती है। मोहिनी उस छोटी बच्ची को देखकर उससे बोलती है क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़के को देखा है? ये बाइक उसी की है। जिस पर वो छोटी बच्ची बोलती है हाँ इस बाइक से एक अंकल आ रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें चक्कर आने लगे और बाइक खड़ा करके जैसे ही वो बाइक से उतरे तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर गए, जिसके बाद फिर हमने उन्हें होश में लाकर अपने घर में आराम करने के लिए ले गए। मेरा घर यहीं पास में है, क्या आप उनसे मिलना चाहती हैं? जिस पर मोहिनी बोलती है हाँ वो मेरे पति है, प्लीज मुझे उनके पास लेकर चलो। फिर वो बच्ची मोहिनी को लेकर गॉब्लिन हाउस की तरफ बढ़ने लगती है और मोहिनी इस बात से अनजान है कि वो भी धीरे धीरे अपने मौत की तरफ ही बढ़ते जा रही है। मोहिनी जैसे ही घर में घुसती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और ये देखकर मोहिनी को काफी अजीब लगता है और वो उस लड़की से पूछती है ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? जिस पर वो लड़की बोलती है ये दरवाजा ऑटोमेटिक है इसलिए ये अपने आप बंद हो गया। आप यहाँ नीचे सोफे पर बैठिए, मैं अंकल को लेकर आती हूँ। जिस पर मोहिनी बोलती है नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी।
भी वहाँ पर बड़ा गॉब्लिन आकर कहता है, चलो तुम्हें भी तुम्हारे पति के पास भेज देता हूँ। और उसके पीछे पीछे छोटा गॉब्लिन भी आ जाता है। मोहिनी उन दोनों की तरफ मुड़कर पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर गॉब्लिन बोलता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ। उसके बाद मोहिनी भी उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली मोहित को ढूंढने के लिए मोहिनी की मदद करने जंगल तक आ पहुँचे हैं। लेकिन उन दोनों को मोहित और मोहिनी की बाइक और स्कूटी दिखती है, जो कि जंगल के पास ही खड़ी थी। इसलिए वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। तभी वो गॉब्लिन के हाउस पहुंच जाते हैं, जहां से खिड़की के जरिए गुल्ली देखता है कि मोहिनी तो भूतों के बीच फंसी हुई है। और गुल्ली उससे पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, क्या देख रहे हो? जिस पर गुल्ली बोलता है, गुल्ली मोहिनी तो भूतों के बीच फंसी हुई है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर बुल्ली बोलता है, भूतों के बीच? लेकिन हम तो इंसान हैं, हम कैसे मोहिनी की मदद करेंगे भला? इसका जवाब ना देते हुए गुल्ली आगे बढ़ता है। और तभी जिस रूम में गॉब्लिन और मोहिनी होते हैं, उस रूम का लाइट जलने बुझने लगता है। और फिर अचानक से लाइट बंद हो जाती है। यहाँ पर बुल्ली सोन को फोन लगाकर कहता है, सोन, हमारे दोस्त मोहिनी और मोहित बहुत ही बुरे फंस गए हैं, और हम भी उसके साथ साथ यहाँ पर फंस गए हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके जीप लेकर जंगल के पास जो घर है वहाँ आओ, हम तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। जिस पर सोन पूछता है, अरे हुआ क्या? जिस पर बुल्ली बोलता है, ये सब बताने का टाइम नहीं है, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे बताए जगह पर पहुँचो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये बोलकर बुल्ली फोन को रख देता है। और कुछ देर बाद लाइट आ जाती है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के साथ मोहिनी भी है। और मोहिनी कहती है, शुक्रिया गुल्ली बुल्ली, तुमने समय रहते मेरी जान बचा ली। तो गुल्ली कहता है, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और फिर गुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली सही कह रहा है, ये सब बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं। फिर जिसके बाद फिर तीनों भागकर उस घर से दूर जाते हैं। और यहाँ पर घर में गॉब्लिन्स और लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं। गॉब्लिन पूछता है, आखिर वह लड़की कहाँ गई? जिस पर लड़की जवाब देती है, शायद लाइट कटने के बाद वो यहाँ से भाग गई है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तुम जाकर जंगल में देखो, वो जरूर जंगल में ही कहीं होगी। और फिर गॉब्लिन और छोटा मॉन्स्टर दोनों ही मोहिनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और मोहिनी दौड़ते हुए सड़क के पास आ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि सामने गॉब्लिन खड़ा है। फिर वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो लोग जिस पर वो लोग इस बार छोटे मॉन्स्टर को अपने सामने खड़ा पाते हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि आगे कुआं है तो पीछे खाई है। तभी यहाँ पर सोन भी आ जाता है, और वो गाड़ी से गुल्ली बुल्ली के पास ही जा रहा था, शायद अब सोन भी गॉब्लिन्स का शिकार बन जाएगा। लेकिन ये क्या, सोन ने तो अपनी गाड़ी से गॉब्लिन्स को ही उड़ा डाला, और गॉब्लिन दूर जाकर गिर पड़ता है। और ये चारों गॉब्लिन के पंजों से बचकर घर जा रहे होते हैं। तभी मोहिनी कहती है, अच्छा हुआ गुल्ली जो तुमने सही समय पर मुझे मैसेज कर दिया कि तुम पावर काट रहे हो, और आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे पति नहीं बच पाए, मोहित उन लोगों के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।